सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग। तो गाइस अभी मेरे पास चाचा का कॉल आया है। चाचा ने बताया कि भाई चाची ना बीमार हो गई है, दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट करवानी पड़ेगी। चाची ना भाई 3-4 महीनों में ना 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है, दोबारा एडमिट करवाने की बात कर रहा है चाचा। तो गाइस मैं जाऊंगा भाई चाची से मिलने। और भाई आज ना भाई सुबह से रिया रोने लग रही है, रिया के साथ ना भाई बहुत बड़ा पॉपअप हो गया। तो अभी रिया के पास चलते पहले। क्या वो खाना भी नहीं खा रही है? देख भी नहीं रही इस साइड। रिया क्या हो गया? मेरी बात सुन, चाचा के पास चलते हैं। चल खड़ी हो, आजा खड़ी हो जा, चप्पल उप्पल पहन ले, चलते हैं। सो गाइस खाना तो मेरा आ चुका है। आज खाने में अरबी के पत्ते बेसन वाले। और गाइस ये देखो भाई, जो जो भी ना भाई 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था, इतना लाडला हो गया भाई, गोदी में लिटा लिटा के खिलाना पड़ता है इसको, बच्चे की तरह खिलाना पड़ रहा है इसको। सो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना, और खाना खा के चलते हैं सीधा भाई चाचा के घर पे। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस रिया तो रेडी हो गई है, जो जो को भी तैयार कर दिया रिया ने। खाना नहीं खा के आए घर से। तो गाइस रिया के साथ ना भाई बहुत बड़ा पॉपअप हो गया। जब ये 11th में थी ना, तब इसने सोचा था कि भाई ये ना आर्किटेक्ट बनेगी। तब से लेके अब तक ना भाई इसने पूरा मन बना रखा था आर्किटेक्ट बनने का। और गाइस अभी ना भाई इसके साथ एक पॉपअप हो गया बहुत बड़ा। तो अब आगे पता चल रहा है कि भाई आर्किटेक्ट बनने के लिए ना साइंस लेना जरूरी था। तो गाइस उस चीज को लेकर ना भाई रिया बहुत ज्यादा परेशान हो रखी है। इसने ना भाई 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया इस चक्कर में। अब हिलियो मत, मैं गाड़ी चला रहा हूं। नहीं ये था, यहाँ तो मेरे चाचा का घर है। हाँ व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ जो जो So guys, मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ कि अगर कुत्ते बात करते ना, कुत्ते बोल पाते तो कितना ज्यादा मस्त रहता है ना, मजा आता भाई, पूरे दिन इन्हीं के साथ निकल जाता। पट्टा निकाल दे इसका। जो जो भाग गया। ओ ओ भाई ले कूद गया भाई। ओ भाई ये वापस चढ़ जाएगा, नीचे उतारेंगे तो। तेरे को बहुत परेशान करता है। 2 दिन से खाना नहीं खाया, बिना रोती रोती आई है। मैं इसको जबरदस्ती तैयार करवा के लाया हूं। इसने कॉमर्स ली थी और अब आगे पता चल रहा है कि भाई साइंस लेनी थी। अब नहीं होगा ना, खाना खा ले रिया। और कहीं से देखो भाई चाची ना भाई बीमार हो रखी है, चक्कर आ गया, जिन्ने से गिर गई। जिन्ने पे से गिर गए एकदम, चक्कर आ गया, अंधेरा आ गया, आंखों के आगे। तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। मना करिए चाची हॉस्पिटल के लिए। चाची को क्या हो गया? ये थी नहीं ना वहाँ पे, झूठ बोल रही है। गाई देखो भाई झूठ बोल रही है, मैंने पकड़ा था फिर भी गिर गई। मम्मी चीनू तू कहाँ पे था? GT5 खेल रहा था। कैसे देख लो भाई, मेरे को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है चाची का। ये देखो भाई GT5 खेल रहा था और हंस के बोल रहा है। क्लास लेनी पड़ेगी चाचा, देख लो। गेम में ही मस्त रहते हैं। चिनू गलत बात है, तू GT5 में लगा हुआ था और चाची गिर गई थी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। कोई कह रहा है, मैं सोचूंगी कुछ और गिरा होगा। मैं भाग के देख नहीं सकता। अच्छा आपने आवाज भी नहीं मारी जब आप गिरे थे? जब आंख खुली ना, तेरा चाचा के हाथ में बोतल, आप बेहोश हो गए थे, आवाज भी नहीं निकली आपकी। चाचा रिया के बारे में बात कर लो ना किसी से। मैं पता करता हूँ, एक आर्किटेक्ट जानकार मेरा। अगर भाई कोई भी चीज पॉसिबल होगी ना रिया के लिए तो भाई चाचा पूछ के बता देंगे। बाकी गाइस मैं भी पूछता रहूंगा रिया के बारे में। जा खाना खा ले आजा, भूख नहीं लग रही। लेट है। तो गाइस फाइनली भाई रिया को मैंने मना लिया है खाना खाने के लिए। अब खा लेगी ना खाना? और गाइस हमने प्लान किया था कि भाई हम ना कैंपिंग करेंगे जंगल के अंदर। कब करोगे चाचा? आज एक काम करते हैं, पहले टेंट ले आते हैं, उसके बाद करेंगे, कल कर ले, कल कर लेते हैं। तो गाइस चाचा कह रहे हैं भाई आज ना भाई टेंट का सामान ले आते हैं, जैसे चूल्हा हो गया, टेंट हो गया, जो जो चीजें कैंपिंग में चाहिए ना वो चीजें ले आते हैं। कितना एक्साइटेड हो रहे थे। और भाई कैंप ऐसा लाएंगे मतलब जो हमारा आगे जाके भी काम आ जाएगा, पहाड़ों पे जाएंगे ना ड्यूक को लेके, हाँ भी कैंपिंग कर सकते हैं मतलब। चले चलो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई दिल्ली, वहां से लेके आएंगे टेंट। तो चलो गाइस चलते हैं। बंद कर दे, बंद कर दे। सो गाइस मम्मी हमारे साथ में जा रही है, तो मम्मी को भी घर पे उतार देंगे। रिया भाई चाची के साथ में ही रहेगी, भाई चाची बीमार हो रही है। सो गाइस अभी 6:18 हो गया है, फाइनली शास्त्री नगर पहुंच गया है। मस्त टेंट लाएंगे ठीक है, कैसे भी डाल लेना इसको, पत्थर में मिट्टी में कैसे भी। ये गैस हो गया ना। सो गाइस फाइनली सारा सामान ले लिया है, घर पे जाके देखेंगे, यहाँ पे खोल नहीं सकते हैं, दुकान इतनी बड़ी नहीं है। कितना सारा सामान ले लिया, इतना सोच के नहीं आया, जितना सामान ले लिया हमने, टेंट लेने आए थे बस। गाइस ये देख लो भाई, भाई मैं ना अभी गैस चूल्हा टेस्ट कर रहा था यहाँ पे खड़ा होके, एक भाई देख के बोला कि भाई बेच रहे हो क्या? बोला भाई क्या बेच रहे हो? हम चेक कर रहे थे, सोच रहे कि भाई हम ना बेचने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। चाचा से बोल रहा हूँ राके सीधा, उसको ये लग रहा है कि भाई हमने थैला लेके घूम रहे हैं मार्केट में। हम सिंपल रहते हैं ना, इसलिए ये देखो भाई सो चुका है। चीनू उठ जा, आज ना भाई इसके साथ एक पोपट करते हैं मस्त वाला। ये ना हमेशा सोता है गाड़ी में, इसका हाथ पैर पकड़ते हैं। रुक जा भाई, लेट जा बेटा, बेड पे लेटते हैं यार, जहां भी जाता है ना सोता रहता है। सो गाइस ये देखो भाई रिया मस्त पिज्जा खा रहे हैं यहाँ पे, और चीनू तो आता ही लग गया पिज्जा में। रिया हमने टेंट लेके आए हैं, देखो चाची आ जाओ। सो गाइस फाइनली भाई टेंट निकाल रहे हैं, दुकान में जगह कम थी तो हम चेक भी नहीं कर पाए सामान। जो टेंट मैंने लिया है ना वो भी दुकान में मैं चेक भी नहीं कर पाया, मैंने खोल कर भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा कैसा है वो टेंट। तो भाई ये ना हमने मैट लिए हैं कैंप के अंदर बिछाने के, और मस्त इनके ऊपर सो भी सकते हैं। सो गाइस ये ना भाई फ्लेम गन है, इसमें से आग निकलते हैं, कुछ भी भून सकते हैं। ये ना तकिए हैं, और गाइस ये भाई गैस है हमारी छोटी सी।
इस पे सब कुछ बन जाएगा, कुकर भी चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ये हमारा छोटा सा सिलेंडर है, ये ऐसे लग जाएगा साइड में, ये देखो भाई। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो भाई प्रेशर कितना, जंगल में ना मस्त हलवा बना के खाएंगे। ये ना टेंट के लिए लेके आए हैं, पावर बैंक में लगा के मस्त लाइट हो जाएगी वहाँ पे टेंट के अंदर। पूरा जुगाड़ कर लिया हमने जंगल की कैंपिंग के लिए। कैसे चिकी? ओ भाई, ओ भाई, कुछ भी भूनने के लिए काम आ जाएगी ये। अभी मेन चीज खोल रहे भाई, खोल के भी नहीं देखा है। तो गाइस अंकल ने ना भाई सिर्फ फोटो दिखाई थी हमें, फोटो देखते ही हमें पसंद करके ले लिया। अंकल बोले घर जाके खोल लेना। ये ना भाई ऑटोमेटिक टेंट है, मतलब आसानी से लग जाएगा। इस पे तो एक और लेयर है, ये मस्त है ना। फाइनली भाई टेंट थोड़ा बहुत लग गया है। ये देखो भाई कितनी सारी जगह है अंदर, आराम से इसमें सो भी सकते हैं। और मस्त जो भी आ गया यहाँ पे, जो तू भी चलेगा कैंपिंग पे। चीकी भी अंदर आ गई है, पिज्जा खा रहा है अंदर बैठ के। कील ठुकेगी ना जब हो जाएगा ये। भाई पूरा नहीं लगा सकते, मतलब कील भी ठुकेगी सारे कोनों पे, टाइलों में तो कील नहीं ठोक सकते। यहाँ पे ना भाई खिड़की भी है, देखो भाई ये वाली कीले लगेंगी, मतलब जमीन के अंदर कट जाएगी। भाई फाइनली हमारा टेंट ये है, मिट्टी नहीं है यहाँ पे, ये लगने के बाद ही पता चलेगा भाई कैसा लगेगा। तो भाई कल जब हम कैंपिंग में जाएंगे ना तब लगाएंगे इसको, बाकी फिलहाल हम फोल्ड करके रख रहे हैं इसको। तो गाइस सारा सामान तो पैक कर दिया है कल के लिए, ये तकिया भी हमारे पास। फुला भी लिया तकिया तूने? ओ ड्रैगू आ गया, ओ ड्रैगू आ गया। ओ भाई इतना बड़ा हो गया भाई, ये तो बहुत गंदा हो रहा है, लेट के आ गया मिट्टी में। कितना छोटा सा था ना जिनू, वो अंदर आ गया। ओ ओ ओ लगा दिया। ओ ओ भाई ड्रैगन ना जो को देख रहा है। ओ भाई जो भी नहीं मान रहा। सो गाइस भाई जो भी नहीं मान रहा, जो भी भोगने की कोशिश कर रहा पूरी। गाइस ओ भाई भाई जो तो भोग रहा है पूरा। ओ भाई ये भागने लग गया, पूरी टक्कर ले रहा है। ओ भाई आया ट्रैक आ जा, कूद जाएगा ये। ओए बस 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 बच्चों से बस, मुझे पता था गुस्सा आ रहा भाई, बस कूद जा। ओ भाई गाइस देखो भाई ये ना भाई ड्रैगन को ढूंढे जा रहा है। हाँ कहाँ गए जोजो, जोजो कहाँ है, कहाँ है जोजो ड्रैगन? सो गाइस देखो भाई पूरे घर में ड्रैगन को ढूंढ रहा है ये, कहाँ गया जोजो वो? इसमें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया रिया, कितना दादागिरी दिखाता अब तो ये। ड्रैगन तो कुछ भी नहीं है, ये युग से भी नहीं डरता, युग के ऊपर ही भौंकने लग जाता है। साइज का पता नहीं भाई, कॉन्फिडेंस पूरा है बिल्कुल। ये देखो भाई इनके बीच में कुश्ती हो रही है मस्त वाली, चिकी पता कौन जीतेगा? रिया दीदी ठीक है। सो अभी 9:30 बज गए हैं, बाय। कल चलोगे ना जंगल में पक्का? फिर रात को पक्का चलेंगे, रिया रुक जाएगी तेरे चाची के पास। हमने सोचा कि भाई रिया को ना चाची के पास छोड़ के चले जाएंगे रात को, बाकी भाई इसका जंगल में जाने का ही बहुत ज्यादा मन है। कल देखेंगे भाई क्या करना चाहिए। चलो ठीक है चाची, बाय। फिर से GTA 5 में लग गया, मतलब होमवर्क नहीं करता ना, बंद कर दे इसको, 3 गिनने से पहले बंद कर दे। जैसे बताओ मारते भी हो या दिखाते दिखाते हो? डांट से ही बहुत समझ जाता हूं, इसलिए मैं मारता नहीं हूं। मारते नहीं हो ना? झूठ बोल रहा है। चलो 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 चलो। गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे, अभी मेरा खाना आ गया है। आज डिनर में करेले की सब्जी, वैसे बहुत दिनों बाद करेले खा रहा हूँ, तो देखते भाई कैसे बने हैं। रोटी और प्याज। सो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना, और खाना खा के बात करते हैं आपसे। सो गाइस मैंने खा लिया खाना, और गाइस आज चाचा के घर पे जाके पता चला कि भाई चाचा ना सीढ़ियों से गिर गई थी, बहुत ज्यादा चोट लगी थी, मतलब चाचा की आवाज भी नहीं निकली, जिससे भाई किसी को भी आवाज सुनाई नहीं दी, जिसको सुन के गाइस बहुत ज्यादा बुरा लगा। होप भाई चाची जल्दी से ठीक हो जाए, अगर चाची 1-2 दिन में ठीक नहीं हुई ना तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। और गाइस आज फाइनली हम कैंपिंग का सारा सामान ले आया, मतलब जो भी सर्वाइवल की चीजें होती है। तो गाइस कल फाइनली हम करने वाले हैं चैलेंज कैंपिंग इन हॉन्टेड जंगल एट नाइट, जिसको सोच के ना मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा है, डर वाली फीलिंग भी आ रही है और एक्साइटमेंट भी आ रही है। पहाड़ों पे जब हम कैंपिंग करने जाएंगे ना ड्यूक के साथ, वहां भी काम आ जाएगा ये सामान। और भाई फाइनली मैंने रिया को ही मना लिया है, भाई रिया ना भाई बहुत ज्यादा मायूस हो रखी थी 2-3 दिनों से, खाना भी नहीं खा रही थी। रिया अब खुश है भाई, रिया खाना भी खा रही है। 1-2 दिन में ना भाई मैं रिया का भी सॉल्यूशन कर दूंगा, अगर ये नहीं हो पाया ना तो इससे बेटर चीज करवाऊंगा रिया को। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है भाई 10:30, और गाइस अभी मैं करूंगा एडिटिंग, और एडिटिंग करने के बाद जाके मैं सोऊंगा। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।